रोटरी क्लब मुरादाबाद वेस्ट सोनकपुर के इंस्टॉलेशन सेरेमनी कार्यक्रम की शुरुआत डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी वर्ष 24-25 दीपा खन्ना और विशेष अतिथि महान कथावाचक पंडित अतुल कृष्ण भारद्वाज महाराज ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके की। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नर दीपा खन्ना ने नव निर्वाचित क्लब अध्यक्ष रोटेरियन डॉक्टर सुधीर मिठा को रोटरी कॉलर पहनाकर कार्यभार सौंपा। इसके साथ नव निर्वाचित क्लब अध्यक्ष ने अपनी नई टीम से पूरे सदन को अवगत कराया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वर्ष 24-25 की डिस्ट्रिक्ट गवर्नर दीपा खन्ना ने नई टीम को रोटरी शपथ दिलाई, साथ ही क्लब के नए सदस्यों को रोटरी पिन लगाकर और बुके देकर सम्मानित किया। जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीज यहाँ उपस्थित हैं और जो हमारे गेस्ट हैं, नए मेंबर्स हैं, हमारे क्लब के सारे मेंबर्स हैं, हमारे क्लब की एक्टिविटीज के बारे में बहुत ज़्यादा दुर्ग का निर्माण कराया और 3 कमरों का निर्माण कराया और एक कमरे का निर्माण हमने कराया था वृद्धाश्रम जो वैदिक वानप्रस्थ आश्रम है बुद्धि विहार में। तो इस तरीके से लेकिन हमने कभी भी हमारे क्लब ने बहुत खुददार क्लब है हमारा हमारे क्लब ने कभी भी बाहर से कोई कलेक्शन नहीं किया। हमारे सभी मेंबर हमारे सक्षम हैं और उनका हमेशा मुझे सहयोग मिलता है। यहाँ मैं अभी अपनी बात को विराम दूंगा। इसके अलावा शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में लाला फूल कुमार सरस्वती शिशु मंदिर कल्याणपुर के प्रधानाचार्य राधेश्याम भारद्वाज, पारा मिलक के विद्यालय की प्रधान अध्यापिका ममता सक्सेना और MIT के पूर्व शिक्षक डॉक्टर विजेंद्र सिंह को उपहार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसी क्रम में नव निर्वाचित क्लब अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर मिठा ने क्लब द्वारा आगामी वर्ष में किए जाने वाले कार्यक्रमों से सभी को अवगत कराया। गौरतलब है कि इस मौके पर मुख्य रूप से पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर CA दीपक बाबू, क्लब सचिव रंजीव सिंह, रोटेरियन सनत कोठीवाल, VP माहेश्वरी, विजेंद्र सिंह आदि लोग मौजूद रहे। साथ ही कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।